समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असत्य बुझाओ की शक्ति है, गली गली में देश भक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाना है, पूर्णता तक जाना है। शत प्रतिशत गांवों में सड़कें हो, शत प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत प्रतिशत लाभार्थी को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना हो, आवास योजना से हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। यही समय है, यही समय है। भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगा। आज हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2014 में हमने सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुल चलकर उनके पास गई। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले LPG कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था, आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है, मैं आज वो कर्ज चुकाने आया हूं। ये यात्रा 15 नवंबर
बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव गांव जाएगी, हर गरीब हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। ग्राम स्वराज अभियान चलाया था, भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। बनने का यही समय है। सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकती। इंडिया इज ऑन द मून। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन पूरे भारत वर्ष में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन प्रदेश के 57,709 ग्राम पंचायतों एवं 762 नगर निकायों में किया जा रहा है। पाई पाई से गरीब की भलाई के संकल्प से हर क्षेत्र में विकास की नई कहानी लिख रहा है नया उत्तर प्रदेश। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, हर घर जल, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया जैसी कई केंद्रीय योजनाओं का मिला है सर्वाधिक लाभ। जन कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए है संकल्पित। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 40,136 ग्राम पंचायतों एवं 1,182 नगरीय क्षेत्रों में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रतिभाग कर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का पंच प्रण भी लिया। भारत के 80 करोड़ नागरिकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिल रहा है मुफ्त राशन। देश के 11 करोड़ 80 लाख अन्नदाताओं के स्वाभिमान का आधार बनी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में हर गरीब के लिए पक्का घर, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति, अन्नदाताओं को सम्मान और हर गरीब को मिला है राशन का उपहार। विकसित भारत के कार्यक्रमों के दौरान आयुष जैसी लोगों ही
5 at 5 पांच राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हर परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जा रहा है। आइए विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़कर शपथ लें। वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करने का, देश की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करके भारतीय होने का कर्तव्य निभाने का। हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत के इस संकल्प में आप सभी आदरणीय जनमानस से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में विकसित भारत हेतु संकल्प लेंगे। हम सभी दाहिने हाथ को आगे करके हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद भारत माता की। सादर धन्यवाद आप सभी को। आज के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत हेतु सर्वप्रथम हम मंच पर आसीन माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित अतिथिगण के लिए स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। सादर अनुरोध। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री हमारे सदर के सम्मानित सांसद भोजपुरी के सुपरस्टार आदरणीय रविकिशन शुक्ल जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे महानगर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ल जी, हमारे महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेश शुक्ल जी, आदरणीय पुष्पधन जैन जी सहित सम्मानित मंच सामने बैठे हुए सभी हमारे गोरखपुर शहर के सम्मानित नागरिकों, सभी सम्मानित मातृशक्तियाँ, हमारे मीडिया के सभी साथी मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज पूज्य महाराज जी सूरज कुंड धाम में पधारे हैं और 16 करोड़ 15 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं का आप द्वारा आज यहां शिलान्यास और लोकार्पण होना है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो रथ गांव गांव पहुंच रही है, मेरे मित्रों, भारतवर्ष के इतिहास में किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी फैसला लेते जा रहे हैं। 2014 और 2017 के बाद आप देखिए कितना सुधार हुआ है। आप बताइए, आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, गोल्ड कार्ड बन रहा है, मेरे मित्रों, ये कितनी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप